वहीदा रहमान जी हैं, उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से जल्द ही सम्मानित किया जाएगा और इसको उनके लिए नॉमिनेट भी किया गया है। और इसको लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, किसको किसको धन्यवाद कहा, अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, एक नजर डालिए वहीदा रहमान की बातों पर। खुशी लग रही है और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अवार्ड है। वो जब कभी जो भी चीज़ प्यार से, इज्जत से, मोहब्बत से देते हैं उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आईबी मिनिस्ट्री अनुराग ठाकुर जी का, और पूरे जितने भी जूरीज होंगे उन्होंने मुझे चूज किया, इसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और बहुत खुश हूं। शुक्रिया। अभी मैम महिला आरक्षण बिल भी पास किया इन्होंने, गवर्नमेंट ने। कैसा आपको लगता है महिला सशक्तिकरण के नाम पे और आपको दादा साहब फाल्के दिया? देखिए, जो मैंने फिल्मों में रोल किए हैं अक्सर मैंने ध्यान में रखा कि प्रोग्रेसिव आइडियाज होने चाहिए और औरतों को जो करना चाहते हैं उनको करने देना चाहिए, क्योंकि सदियों से औरतों को आगे बढ़ने नहीं दिया, पढ़ने लिखने नहीं दिया, तो वो दबी दबी थी। उनमें भी टैलेंट होता है, हुनर होता है, एंड दे कैन डू अ लॉट। क्योंकि मैं एक कई गांव वाले लोगों से मिली हूं जब मैं बैंगलोर में थी, तो उनको कई लोग जो मेरी फैक्ट्री में काम करते थे, जो मैं ब्रेकफास्ट सीरियल बनाती थी, उनको अपना नाम तक साइन करना नहीं आता था, तो वो अपना अंगूठा लगाते थे। मगर एक बार सिखाते थे उनको कोई भी काम, वो उसी डेडिकेशन के साथ, उसी सिंसियरिटी के साथ ध्यान से काम करते थे। सो कोई जरूरी नहीं है कि आप MBA हो जाए या BA या MA कर लें, क्योंकि हर इंसान सीख तक सकता है, उनको मौका देना चाहिए। अगर उनको मौका दिया जाए हर कोई हर कुछ कर सकता है। औरतों में मेरे ख्याल से बहुत ताकत है, बहुत दिमाग है, वो दिल लगा के काम करें बहुत कामयाब हो सकते हैं। तो अगर आपको याद ही होगा उनका एक पुराना गाना है, पिया तो से नैना लागे रे, मैंने बचपन में भी ये सॉन्ग काफी सुना है और उसका अब खैर तमाम रीमेक आए हैं, लेकिन वहीदा रहमान की अगर बात करें तो उसमें जो इन्होंने अपना जिस तरह से इन्होंने उस गाने पर बखूबी अपना अंदाज पेश किया, वो लोगों को आज भी पसंद आता है और काफी अच्छा डांस और वो गाना भी काफी प्यारा है। और उनके लिए एक चीज और कही जाती है कि वहीदा रहमान को आप देखेंगे ना तो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन और चीज देख के कभी ये नहीं लगता ना कि वो जैसे एक डांसर होंगे, या उनके चेहरे पे आपको वो नटखटापन जो है ना बहुत कम, वो सीरियस जैसे ज्यादा लगी हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे डांसर हैं। हाँ, और इसीलिए जो है जिस फिल्म के लिए भी जब गाइड फिल्म में लिया गया तो जो डांस की है तो शुरू में कई लोगों को लगता था कि नहीं ये इस तरह के रोल के लिए फिट नहीं होंगे बहुत सारे फिल्मों में जो है, तो लेकिन इनका देखिए एक्सप्रेशन चाहे जिस तरीके से इन्होंने डांस किया है तो वो काफी अच्छा है। और एक्टिंग ऐसे सीरियस लेडी के रूप में ही इनको माना गया है, लेकिन एक्टिंग के समय में वो सीरियसनेस खत्म होती रही है। तो हमेशा जो है वहीदा रहमान एक अच्छे कलाकार के रूप में जानी जाती हैं, और एक नहीं बहुत सारे गाने हैं इनके जो काफी हिट रहे हैं। तो कुल मिला जुला के इन्होंने महिला आरक्षण पर भी बात की, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी कि ये बहुत अच्छी बात है, महिलाओं के अगर बात करें तो महिलाओं के राजनीतिक क्षेत्र में भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। और तमाम तरह के अनुराग ठाकुर को उन्होंने विशेषकर धन्यवाद किया दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए। और बॉलीवुड में और पूरी तमाम अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें उसमें इनका क्या योगदान है उसको लेकर ये अवार्ड उनको दिया जा रहा है और आने वाले दिनों में जल्द ही इनको सम्मानित भी किया जाएगा। खैर फिलहाल इन तमाम विशेष बातों पर हमने विशेष चर्चा की, कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को खबरों के अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलिए। खबरों का ज्यादा डोज चाहिए तो हमारे वेबसाइट खबरों के अड्डा को विजिट करना ना भूलिएगा। और फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।